नमस्कार, मैं हूं मुर्तजा खान और आप देख रहे हैं मुर्तजा स्टोरीज। मैं आज आपके लिए एक ऐसे राज्य का सर्वे लेकर आऊं जहां पर अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे। 15 साल से बीजेपी की सरकार को हराकर कांग्रेस ने वहां अभी हाल ही में सरकार बनाई है। इंडिया टीवी सीएनएक्स ने सर्वे किया कि लोकसभा इलेक्शन 2019 में मध्य प्रदेश में कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत सकती है। वही मैं आपको बता दूं, ये सर्वे सबसे ताजा सर्वे है इंडिया टीवी सीएनएक्स का। ये उम्मीदवार घोषित करने के बाद इंडिया टीवी सीएनएक्स ने सर्वे किया है। चलिए मैं आपको सबसे पहले यह बताता हूं कि लोकसभा इलेक्शन 2014 में मध्य प्रदेश में कौन सी पार्टी कितनी सीट जीती थी। लोकसभा की जो टोटल सीटें हैं मध्य प्रदेश में वो 29 सीटें हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी वहां पर 27 सीटें जीती थी, वहीं कांग्रेस सिर्फ 2 ही सीट जीत पाई थी। जहां 2014 में विधानसभा में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, अब सरकार बदल गई है। 15 साल से थी बीजेपी की सरकार को हराकर कांग्रेस ने वहां सरकार बनाई है। अशोक गहलोत जी वहां के नए मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के। अब देखना ये जो सरकार बनाई है कांग्रेस, उसका फायदा लोकसभा चुनाव 2019 में होता ही नहीं, ये आपको आगे पता चलने वाला है इस सर्वे में। चलिए मैं आपको बता देता हूं जो इंडिया टीवी सीएनएक्स का जो ताजा सर्वे उसमें क्या निकल कर आ रहा है। बीजेपी यहां पर 23 सीटें जीत सकती है। जहां 2014 में 27 सीटें जीती थी, यहां पर 4 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। यहां पर ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है बीजेपी को, सिर्फ 4 सीटों का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस यहां पर 6 सीटें जीत सकती है, जहां 2014 में 2 ही सीट जीत पाई थी। सरकार अब हाल ही में बनाई है, यहां पर 4 सीटों को फायदा होता दिख रहा है, कांग्रेस को ज्यादा फायदा नहीं होता दिख रहा है। अशोक गहलोत जी ने सरकार तो बना ली है मगर यहां पर ज्यादा फायदा होता नहीं दिख रहा है, सिर्फ 6 सीट जीत सकती है लोकसभा चुनाव 2019 में मध्य प्रदेश में। चलिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं लोकसभा इलेक्शन 2019 में मध्य प्रदेश में कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत सकती है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप मेरी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो मेरे पेज को जरूर लाइक करिएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊं तो आपको पता चल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।